सभी मेरे भाइयों को जय माता जी की जय हिंद। मैं महिपाल सिंह मकना, श्री राजपूत करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज का मुद्दा आप सबको मालूम है, जिस तरीके से पूरे देश में बिहार चुनाव को लेकर एक पूरे देश में माहौल है, और अभी दो तीन दिन से एक यूपी हाथरस में एक हत्या हुई है एक अपने देश की बेटी की। ये दो मुद्दों को लेकर मैं आज लाइव हूँ। मैं पहले मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए, अपनी एक बेटी की क्षति इस देश को हुई है, मैं उस पर पूरे देश के सामने श्री राजपूत करणी सेना का क्या व्यू है, क्या हमारी सोच है, उसको मैं रखना चाहूँगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग देख रहे हैं कि एक वाल्मीकि की बेटी नहीं, एक क्षत्रिय की बेटी नहीं, इस देश की बेटी। अगर इस देश की बेटी ने अगर अपने आप को निछावर किया, उसकी हत्या हुई है, तो मैं पूरे देश के लोगों को, पूरे देश के युवाओं, पूरी जनता के सामने क्षत्रिय समाज की तरफ से श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं महिपाल सिंह बोलना चाह रहा हूं, ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाना चाहिए जो इस तरीके का हत्यारा हो, जो दरिंदगी करता हो अपनी अपनी राष्ट्र की बेटी के साथ, अपने राष्ट्र की बेटी को बेटी नहीं मानता हो, ऐसा कोई भी हत्यारा कभी बचना नहीं चाहिए। यह श्री राजपूत करणी सेना बोल रही है। हम राजनीति नहीं करते, हम हर एक उस महिला की, उस बेटी की इज्जत के लिए लड़ने को तैयार रहते हैं, चाहे वो किसी भी समाज से हो, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी से हो। पर एक पूरा माहौल बनाया जा रहा है पूरे देश में, वो दलित, दलित की बेटी नहीं। अगर आज भी इसी दलित में, राजपूत में, ठाकुर में, ब्राह्मण में, ब्राह्मणियों में बटे रहोगे, तो महिलाओं की इज्जत के लिए आवाज नहीं उठा पाओगे। पर कुछ पॉलिटिकल पार्टियां, पॉलिटिकल लोग, अलग सोच के, अलग विचार के, विचारधाराओं के लोग आज एक पर्टिकुलर, एक इस देश की बेटी को दलित की बेटी, अरे भैया ठाकुर की भी वही बेटी होती है, एक ब्राह्मण की भी वही बेटी होती है, एक मजदूर दिहाड़ी वो व्यक्ति की भी वही बेटी होती है, एक करोड़पति के, चाहे कोई भी राज परिवार हो, कोई भी चाहे राजघराना हो, उसकी भी वही बेटी होती है। बेटी हर बाप के लिए बराबर होती है, हर परिवार के लिए बेटी हमारा सम्मान का प्रतीक होती है। अगर किसी बेटी के साथ गलत हुआ है, वह करणी सेना मैदान में खड़ी रहेगी। ये जातिवादी, ये जो षड्यंत्र रच रहे हो, बंद करो। अगर इस तरीके से लड़ा गया एक बेटी की न्याय की लड़ाई, तो कभी नहीं लड़ पाओगे। तुम्हारी बात करना, हम हमारी बात करेंगे। कोई अपराधी कोई जाति से नहीं होता। मैं हजार बार बोलते आया हूं, अपराधी किसी भी जाति का हो। अभी जो पालघर में जो साधुओं को मारा गया, दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, उनके ऊपर वहां के सरकार ने क्या बोला, वो तो हिंदू ही थे। तो क्या हिंदुओं का हक है? किसी भी हिंदू हक है? हिंदू का हक है साधुओं को लठ से मार मार के मार दिया जाए? किसी भी हिंदू को हक नहीं है। उसी प्रकार किसी भी जाति के व्यक्ति को हक नहीं है इस भारत की बेटी के साथ गलत करे। दूसरा, मैंने उसकी मदर का, उस खुद का, जो अपनी बहन थी, उस दिवंगत आत्मा का भी मैंने वीडियो देखा। अब बताया क्या जा रहा है, हो क्या रहा है, मैं इसीलिए बोलना चाह रहा हूं, इस पूरे हाथरस कांड में सीबीआई की जांच हो, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हमारा देश का जो संविधान है, वो हमेशा कहता आया है, एक अपराधी बच जाए चाहे, पर बेगुनाह नहीं फंसना चाहिए। किसी बेगुनाह को अगर फंसा देंगे तो उसका परिवार खराब हो जाएगा, मैं यही बोलना चाह रहा हूं। और अगर कोई भी लोग लिप्त हैं इस कांड में, तो उसको बकायदा, उसको जेल होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, और फांसी से भी बड़ी अगर कुछ हो तो वो होना चाहिए। पर अगर माहौल खड़ा किया जा रहा है गलत तरीके से, मैंने अभी दो दिन से देखा है, ठाकुर ठाकुर ठाकुर, अरे ठाकुर वो है जो सब कुछ ठाकुर के पास होते हुए भी कोई भूखे नहीं मरता था। कुआ ठाकुर का, बेल ठाकुर के, खेत ठाकुर का, फिर भी कोई भूखा नहीं मरता था। आज तो सब चीजों पे अधिकार आपका है, क्या भूखे नहीं मर रहे हैं क्या लोग? पर ठाकुर के नाम को बदनाम करने वाले जो भी, मैं सीधे सीधे उन वामपंथियों को, उन हर एक कांग्रेस के हर एक उस पदाधिकारी को, नेता को बोलना चाह रहा हूं, ठाकुरों के बाद ठाकुरों का नाम लिए बिना बात करिए। इसमें ठाकुर नहीं है, जो भी व्यक्ति है अपराधी है, जघन्य अपराध जिसने किया है, वो इसमें
घसीटा नहीं जाना चाहिए। जघन्य अपराध वालों को अपराधी बोलिए बोलिए, न कि ठाकुर ठाकुर ठाकुर। मैंने खूब सारे देखे हैं। अभी हमारे यहां पे एक कांड हुआ था, एक दलित हमारे राजपूतों की लड़की का रेप कर दिया, कहीं किसी ने कुछ नहीं बोला, हमने भी नहीं बोला। अरे कोई भी हो, अगर कोई जघन्य अपराध करेगा वो अपराधी है, वो इस समाज में रहने लायक नहीं है। पर उसको किसी जाति से जोड़कर किसी जाति की इज्जत आबरू को धूमिल मत कीजिए। अब खूब सारे एक्टर आ गए, खूब सारे राजनेता आ गए, क्यों कहां गए थे? अभी वो जो एक बेचारी हीरोइन मर गई, वो हत्या हो गई सुशांत सिंह से पहले, जो इसकी मैनेजर थी सुशांत सिंह की, उसको मार दिया गया, तब कहां दही जमा था मुंह में? तब नहीं बोले, क्योंकि ये करोड़ों रुपए की फिल्में बना रहे हैं। पिछले 70 सालों से ठाकुरों को क्या बताया जा रहा है? दुष्कर्मी, ठाकुरों को डकैत बताया जा रहा है। इसलिए इनकी रोटियां सेकने ही आ गए हैं कि देखो ठाकुरों ने, दबंगों ने। दबंग आजकल, अब इस भारत, इस आजाद भारत में हर व्यक्ति दबंग है, अपनी बात को बोलने की आजादी है। और कोई भी, मैं ये बोलना चाह रहा हूं उस भीम आर्मी के उस दलाल को जो राजपूतों को बदनाम करने की कर रहा है, इतने जूते मारेंगे तुझे बना दूंगा। भी यहां का इस कलयुग के राम के वंशज हम हैं, और रावण को मारना भूले नहीं है। इतना बुरी तरीके से सबक सिखाएंगे कि जो राम के टाइम रावण बना था ना, उसको भी शर्म आ जाएगी कि इतनी तरीके से मारते हैं क्या। राजपूतों को बदनाम करना छोड़ देंगे, तेरे बाल बाल शरीर का ऊपर उखाड़ लेंगे हम लोग। बकवास करता जरा आया भीम आर्मी, और अगर आर्मी है तो जाके लड़ वहां पे, नहीं तो हमारे जैसा माधरक करणी सिद्धा जैसा, कि जो बोले वो करके दिखा। पॉलिटिकल लोगों की गोदियों में बैठ के तुम खेलते हो, गोटियां खेलते हो समाज के नाम पे। मैं बोल रहा हूं हमारी बेटी थी, और अगर वाल्मीकि समाज को आज भी सबसे ज्यादा कोई इज्जत करता है तो तुम दलितों में से कोई नहीं करता होगा। मैं बता रहा हूं दलित समाज भी आपस में भेदभाव रखता है, पर वाल्मीकि समाज के आज भी व्यक्ति को, अगर कोई आदमी है उसको राजा हम लोग बोलते हैं, और उनकी अगर महिला है घर की उनको रानी जी बोल के बुलाते हैं। तुम लोगों की तरह वाल्मीकि या ये भीकर जी पूछर जी अलग अलग नाम वर्ड नहीं लेके आते। हम लोग आज भी वाल्मीकि समाज को राजा, उसके घर के व्यक्ति को, और उनकी उनकी जो महिला उनको रानी जी बोलते हैं। आज जाके पूछ रहे किसी भी गांव में, राजस्थान के नहीं पूरे देश में, रानी जी नहीं बोलते कि हम लोग, मैं तो राजा, मैं तो रानी, मैं तो राजा होता है और मैं तो रानी होती है, मैं रानी जी हम बोलते हैं उनको। और हमारे बीच में भेद डाल के तुम लोग क्या ये साबित करना चाह रहे हो कि राजपूत समाज इस तरीके का? अगर किसी की जमीन का विवाद है और उनका झगड़ा चल रहा है, किस तरीके से 16 दिन काम कर गए थे ये लोग? अरे 16 दिन उसे हॉस्पिटल में क्यों नहीं गए सरकारी में? उसका सरकारी हॉस्पिटल में इलाज क्यों हुआ? वेदांता में क्यों नहीं हुआ? इस देश के नामी गिरामी हॉस्पिटल में इलाज क्यों नहीं हुआ उस बेटी का, जो तुम आज ये बकवास कर रहे हो कि वो दलित थी, वो जमींदार थे, वो ठाकुर थे? ये जमींदार और ठाकुर हमें बताने वाले लोग आज 16-15 दिन कहां मर गए थे? बचाया नहीं जा सकता था क्या? उसकी जीप काट दी, उसके टांग तोड़ दिए। 100% ऐसे किसी भी गद्दार को, किसी भी हत्यारे को सजा होनी चाहिए। पर ये लोग कहां गए थे जो आज ये दलित दलित की बकवास कर रहे हैं? क्या वो आपकी जो हमारी ये बहन थी तब तुम्हें नजर नहीं आई होगी? तुम मरने का इंतजार कर रहे थे कि ये मरे कब? मैं बोल रहा हूं इसके पीछे भी साजिश हो सकती है। हमारी बहन को मारा गया है और ये जो हुक्मरान बैठे हैं इनको, और मैं बोलना चाह रहा हूं, ये एक माहौल बनाया जा रहा है यूपी में कि योगी आदित्यनाथ खुद राजपूत है। मैं योगी आदित्यनाथ को राजपूत नहीं मानता। जो योगी है, जो साधु है, जो संत है, जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया है, वो किसी जाति बिरादरी का नहीं होता सनातन धर्म के अनुसार। और अगर करणी सेना ने सबसे ज्यादा पद्मावत फिल्म में अगर करणी सेना के साथ गलत हुआ है तो यूपी में हुआ था, इसी योगी आदित्यनाथ की राज में। हमारे लड़कों के साथ लाठी चार्ज हुआ है, हमारे लड़कों को घसीट घसीट के मारा गया राजपूत करणी सेना के, हमारे राजपूत युवाओं को। पूछे जाके तब क्यों नहीं बोले कि रे राजपूत राजपूत को मार रहा है, ये असली क्षत्रिय? तब क्यों नहीं बोले दलाल? तब क्यों नहीं बोले दोगले लोग? तब क्यों नहीं बोले कि हाँ ये योगी आदित्यनाथ है, ये कोई राजपूत या किसी ब्राह्मण का तमका नहीं रखता, इसने भगवा पहना है तो ये ब्राह्मण नहीं है, और ये कोई जाति से जन्म कीजिए, इसने कोई क्षत्रिय परिवार में लिया है, पर ये कर्म से योगी है। तब क्यों नहीं बोले?
जब हमें हमारे लाठीचार्ज हुआ पद्मावती फिल्म पर इसी योगी के राज में, पर यह माहौल बनाया जा रहा है, यह माहौल बनाया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ राजपूत है और वहां एक राजपूत ने एक दलित को मार दिया। भैया इस देश की बेटी को किसी ने भी मारा है उसके साथ न्याय होना चाहिए, और कोई भी व्यक्ति अगर ठाकुर दलित ब्राह्मण के नाम पे राजनीति करेगा जूते खाएगा। राजपूत समाज ऐसा समाज नहीं है। अगर लाखों में से एक आदमी ने अगर कोई गलत काम कर दिया, अगर लाखों लोगों में से एक व्यक्ति ने अगर कोई गलत कर दिया, तो मैं पूछना चाह रहा हूं, बोलना चाह रहा हूं, ये पूरे समाज का चेहरा नहीं था वो लड़का संदीप नाम का, जो तुम पूरे ठाकुर समाज को बोल रहे हो डंग दबंगों ने ये कर दिया। मैं बोल रहा हूं सीबीआई की जांच होनी चाहिए। मैंने उस महिला का भी, उसकी मदर का भी वीडियो देखा है जिसने बोला है कि हमें बाजरे में घसीट के मेरी बेटी को ले गया था, अगर मैं वहां नहीं होती तो खुद गलत हो जाता। इसका मतलब मैं क्या समझू, इसका मतलब पूरा देश क्या समझे, बलात्कार नहीं हुआ था। पर मैं बोलने वाला कोई नहीं होता, मैं बोल रहा हूं इस पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए, बलात्कार हुआ था नहीं हुआ था। अगर किसी महिला ने 10 दिन बाद में भी बोला है कि मेरे साथ गलत काम हुआ है, तो उसकी न्याय होनी, जांच होनी चाहिए। अनुराग कश्यप अभी 6 साल बाद में उस एक हीरोइन ने एक मुकदमा दर्ज कराया, अगर उसकी जांच हो सकती थी इसकी भी जांच होनी चाहिए, हम मानते हैं। और सीबीआई की जांच हो, जो ये तो दलाल है पूरे देश में, एक अलग तरीके की विचारधारा के वामपंथी विचारधारा के लोग हैं जो इस देश के टुकड़े करना चाहते हैं जातिवाद के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के क्षेत्रवाद के नाम पे, उन पे लगाम कसे। मैं आप सब लोगों को बोलना चाह रहा हूं, हर एक व्यक्ति को, क्या मैं गलत बोल रहा हूं, कभी राजपूत अन्याय अन्याय के साथ कभी खड़ा नहीं होता। अगर किसी लड़के ने महिला पे हाथ भी उठाया है, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी धर्म की हो, हम उसका विरोध करते हैं। और अगर उसके कारण से उस महिला की जान गई है, 302 में उसको बकायदा आजीवन कारावास फांसी की सजा हो। पर अगर इस आधार पे ही कि उसकी जीप काट दी गई, उसके रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसके टांग तोड़ दिए गए, तो वो महिला जो जिसका बयान उसकी मां का आया, उसकी उसे खुद जिस बेटी ने अपनी जान गंवाई है उसका खुद का बयान पूरे देश ने सुना है, ऐसे कोई भी गलत भ्रामक जो, क्योंकि मैंने वहां की पुलिस यूपी पुलिस का एक वीडियो भी देखा है, वहां की एक प्रेस विज्ञप्ति देखी है, उस प्रेस विज्ञप्ति में मेडिकल रिपोर्ट का पूरा वो दिया हुआ है कि मेडिकल में यहां यहां चोट है, यहां यहां चोट नहीं है। तो अपनी तरफ से जो जजमेंट दे रहे हैं, जो जज बने बैठे हैं राहुल गांधी जैसे लोग, मैं तो राहुल गांधी को आज से पहले मुझे यही लगता था कि इसके साथ अत्याचार हो रहा है, ये गांधी परिवार से एजुकेटेड आदमी इसीलिए इसका हरेशमेंट हो रहा है। मुझे नहीं मालूम ये हकीकत में इतना कमजोर का मानसिकता का व्यक्ति है, इसकी सोच इतनी कमजोर है। किसी बात पर तुम लोग नहीं बोलते, अगर कोई मुसलमान के साथ हो जाए तुम खड़े हो, कोई दलित के साथ हो जाए तुम खड़े हो, और सब जातियां क्या मर जाएंगे हम लोग तुम्हारी नजर में? तुम्हें क्या लगता है हमें फांसी खा लेनी चाहिए? अरे बात करो, सबकी करो, अगर राजस्थान पे, अगर इस देश पे, इस भारत पे राज करना चाहते हो तो सबकी बात करनी पड़ेगी। एक पर्टिकुलर विचारधारा को लेकर आप लोग हल्ला करते हो, और एक महिला को बोलता है तब आपकी बोलती बंद हो जाती है, तब आप कहां मर जाते हैं मुझे समझ में नहीं आता। मैं कोई बीजेपी विचारधारा का व्यक्ति नहीं हूं, ना मैं कोई कांग्रेसी विचारधारा का व्यक्ति हूं, पर राहुल गांधी जैसे लोग अगर इस तरीके का, जब तुम्हें इस लेवल पे बात करनी चाहिए थी कि अगर इस परिवार के साथ गलत हुआ है तो हम लोग साथ खड़े हैं, तुमने इस तरीके का हल्ला उठाया कि ठाकुरों ने किया। अगर ठाकुर नहीं होते तो राहुल जी आप भी नहीं होते, और ये जीती है फर्जी सेनाएं बनी हुई है, ये भीम आर्मी, टीम आर्मी, पीम आर्मी, शॉट मारेंगे सबके पटक पटक के जब बकवास करी तो। गलत बात पे किसी का ना हम गलत बात किसी से करते हैं, ना किसी के बाप की सुनते हैं। आप सबसे निवेदन है, गलत है, गलत के खिलाफ खड़े रहिए। हाथरस में सीबीआई की जांच, श्री राजपूत कमीशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह जी कालवी की जो कमीशन है, मकराना मांगता हूं, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। किसी भी अपराधी को छूटना नहीं देंगे, छूटने नहीं देंगे, और किसी निर्दोष को जेल नहीं जाने देंगे। ये राजपूत कमीशन करती है, ये करती रहेगी। अब रही बात, आपको एक और मैं बोलना चाहता हूं, अभी बिहार में चुनाव है, और पिछले 3-4 दिन से हजारों फोन मेरे पास आ चुके हैं कि बिहार में चुनाव में आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं, बिहार में चुनाव में आप लोग पार्टी खड़े कर रहे हो क्या, आप चुनाव लड़ा रहे हो क्या? श्री राजपूत कमीशन 2006 में बनी थी, लोकेंद्र सिंह जी कालवीस के फाउंडर हैं, और कभी हमने चुनाव नहीं लड़ा इन 15 सालों में।
इन 15 सालों में कभी श्री राजपूत कर्णी सेना ने 3-3 एमपी के चुनाव और 3 एमएलए के चुनाव हमने देख लिए, ना तो हमने एक टिकट मांगी ना कभी चुनाव लड़ा। हमारे पास राजपूत समाज का कोई भी व्यक्ति आया उसको हमने, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, उसका हमने समर्थन जरूर किया, बशर्ते वो हमसे सपोर्ट मांगने आए। और जिस व्यक्ति ने समाज के खिलाफ अपने पॉलिटिकल जो पावर है उनका अगर गलत इस्तेमाल किया, उस व्यक्ति के खिलाफ हम लोग बिना बोले उसकी खिलाफत करने उसके विधानसभा में जरूर जाते हैं और उसको नाको चने चबाना श्री राजपूत कर्णिसना काम है। अगर किसी ने भी बिहार में राजपूत समाज के खिलाफ अगर कभी कोई काम किया है तो उसको हराने के लिए हम लोग एजेंडा लेके जाएंगे, एक राजपूत कर्णी सेना का भगवा लेके जाएंगे, पर चुनाव लड़ना हमारा काम नहीं है। चुनाव लड़ना कर्णी सेना का काम नहीं है और जो चुनाव लड़ रहे हैं वो कर्णी सेना नहीं है। श्री राजपूत कर्णी सेना कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ी और न लड़ेगी भविष्य में, और जो बोल रहे हैं वो लोकेंद्र सिंह कालवी से कहीं भी न तो उनकी कोई व्यवस्था है, न उनकी कोई सीधा कोई मतलब है, न इस कर्णी सेना में उनका लेना देना है। चाहे वो कोई भी लोग हो, कर्णी सेना से उनका लेना देना नहीं है। कर्णी सेना नाम लिखने से कर्णी सेना नहीं होती है। ये 15 साल से चल रही है वो कर्णी सेना है। मैं बिहार के हर एक व्यक्ति से बोलना चाह रहा हूं, वापस से सुन लीजिए, महिपाल सिंह मकड़ा श्री राजपूत कर्णी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लोकेंद्र सिंह जी कालवी उनके संस्थापक है, 2006 में बनी थी और अभी साल दो साल तीन साल में जितनी भी कर्णी सेनाएं बनी है उन कर्णी सेनाओं से श्री राजपूत कर्णी सेना का कोई लेना देना नहीं है। हमारी कोई ब्रांच नहीं है और जो लोग भी हमारे नाम से ब्रांचें चला रहे हैं उनका हमसे कोई लेना देना नहीं है। कर्णी सेना कभी चुनाव नहीं लड़ती है, पहली बात कर्णी सेना ने कभी चुनाव नहीं लड़ा, दूसरी बात कर्णी सेना कभी इन फ्यूचर भी चुनाव नहीं लड़ेगी, तीसरी बात यह हमारा अब तक का एजेंडा है। अगर कोई भी बोल रहा है कि कर्णी सेना चुनाव लड़ेगी और वहां के अखबारों में आता है, मैं उसका खंडन करता हूं, वो कर्णी सेना श्री राजपूत कर्णी सेना से उसका कोई लेना देना नहीं है। कोई बोलता है मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, वो हमारे कालवी साहब की कर्णी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, उनके नाम से उन्होंने श्री राजपूत कर्णी सेना के नाम से 2-3 संस्थाएं लोगों ने बना रखी है जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं अभी फिर आऊंगा पटना के, आप लोगों को बोल के जाऊंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाऊंगा, अगर पॉलिटिकली तौर पर कर्णी सेना का अब कोई नाम यूज लेगा, आज तक मैंने किसी भी संगठन का विरोध नहीं किया है, पर अब की बार मैं खुले मंचों से तुम्हारा विरोध करूंगा, खुले मंचों से तुम्हारा नाम लेके विरोध करूंगा कि ये लोग फर्जी है, इनका कर्णी सेना से राजपूत समाज से कोई लेना देना नहीं है। और जो कर्णी सेना वहां बोल के आई है कि हम चुनाव लड़ेंगे, वो राजपूतों की संस्था नहीं है, पहले तो मैं ये बता दूं, राजपूतों के अलावा 3600 कौम उसने भरी हुई है जो केवल कर्णी सेना के नाम से चलती है। वो कुछ भी करे हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। केवल कर्णी सेना सामाजिक काम करती है, समाज के हित में काम करती है। वहां पे अगर कोई शेर सिंह राणा चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे बीजेपी लड़ रही है, कांग्रेस लड़ रही है, अगर हमसे कोई भी व्यक्ति समर्थन मांगेगा हम लोग उसी व्यक्ति को समर्थन देंगे जो राजपूत समाज का हो। पहली बात, किसी भी सीट से 1 से 2 राजपूत अगर लड़ रहे हैं तो हम लोग समर्थन नहीं देते, वहां के लोकल राजपूत तय करते हैं कि हमें क्या करना है। दूसरी बात, तीसरी बात, हम लोग जो भी अगर कर्णी सेना के नाम से अगर कोई दलाली हमारी कर रहा है उसकी खिलाफत करते हैं, उसके खिलाफ हम लोग कानूनी एक्शन लेंगे, तीसरी बात। और आप ये निश्चिंत रहिए, अगर जब कभी भी पॉलिटिकल पार्टियों को समर्थन देने की बात आएगी तो अपने राजपूत भाई पहले रहेंगे, उसके बाद में किसी के लिए सोचा जाएगा। लोग बोल रहे हैं वहां शेर सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां 100% शेर सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं। मैं बोलना चाह रहा हूं, अगर शेर सिंह जी ने जहां जहां पे अपनी जो पार्टी है उस पे अगर राजपूत समाज का अगर कोई भी व्यक्ति खड़ा करेंगे वो अपनी पार्टी की टिकट से, तो हम लोग उनको बकायदा समर्थन देंगे उसी राजपूतों की सीट पर जहां राजपूत लड़ रहा है। अगर बीजेपी हमसे समर्थन मांगेगी राजपूतों की सीट पे, तो हम उन बीजेपी की केवल राजपूतों की सीट पे समर्थन देंगे। अगर कांग्रेस जेडीए आरजेडी जो भी कोई नाटक पीटक जीते भी हैं, अगर राजपूत समाज के बंदे को टिकट देगी तो हम राजपूत समाज के बंदे के टिकट के ऊपर हम लोग समर्थन करेंगे, न कि कोई पार्टी को, न कि कोई पार्टी के किसी भी भांड को। मैं पॉलिटिकल बात न पहले करता था ना अब करूंगा, मैं पॉलिटिकल बात नहीं करता, मैं पॉलिटिक्स से मेरा लेना देना है,
पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं वो फर्जी हैं। सीधे सीधे राजपूत समाज 15 सालों से हमें 10-10 एमपी की, 5-5 एमपी की टिकटें, 20-20, 30-30 एमएलए की टिकट हर बार ऑफर होती है अलग अलग राज्यों से, करोड़ों रुपए का। ये कि आपके करणी सेना के फंड में आप करोड़ों रुपए लीजिए, हम लोग एक रुपया हाथ मिल गया। माँ भगवती कसम है, अगर किसी भी पार्टी से महिपाल सिंह मकराने का अगर किसी भी कोई अगर चंदा 1 रुपए का ले लिया हो, आप सब लोगों को बोलना चाह रहा हूं, हमें बदनाम करने की जो साजिश है वो इसी बीजेपी कांग्रेस के द्वारा है। उन्हीं लोगों ने ये हमारे नाम से मिलती जुलती संस्थाएं खड़ी करी है, और वो अब हमें अगर पॉलिटिकली तौर पे बेचेंगे तो मैं फिर बोल रहा हूं, अब की बार सबका कच्चा चिट्ठा खोलूंगा, कौन कौन क्या क्या है। मैं यहां रक्त की शुद्धता की बात करता हूं, जो राजपूत है, राजपूत में शादी है, राजपूत का बेटा है, राजपूत का पोता दोहिता है, राजपूत का भांजा है, वही राजपूत है, और उसी को हम लोग करनी सेना में लेते हैं। और अगर किसी ने कोई जबरदस्ती की बकवास करी राजनीतिक नाम पे, तो सबको चैलेंज है, सबकी पतलून उतारूंगा, क्योंकि मैं किसी कोई भी आज तक, मेरा आज तक ये रिकॉर्ड रहा है, किसी भी राजपूत समाज की संस्था का विरोध नहीं किया है, मैंने कभी कोई विरोध की बात नहीं करी है, पर मेरे नाम से संस्था चला रहे हो और मेरे नाम को बेचने आ गए। अरे 15 साल हो गए इस बाग को खड़े किए, 15 साल, समझ रहे हो। पद्मावती से कौन कौन लोग खड़े हुए सब जानता हूं, सब उनको भी मालूम है कि वो कहां कहां से बने, पर मैं ये नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं अपनी उसी में रहो, बाहर मत निकलो। पॉलिटिकली अगर बाहर निकलने की बेचने की कोशिश करोगे ना, इतना बुरा हाल करेंगे जिसकी हद नहीं। हम लोग कहीं बिहार में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अगर कोई भी भाई लड़ रहा है राजपूत भाई और हमसे मदद मांगता है करणी सेना से, तो हम राजपूत की, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हम उसकी मदद करेंगे। ये सभी बिहार के व्यक्तियों को बोलना चाह रहा हूं, और मैं पटना आके 4-5 दिन 7 दिन आनंद मोहन जी के पक्ष में जो भी पार्टी बात करेगी, मैं उसके लिए जरूर, आनंद मोहन सिंह जी को अगर बाहर निकालती कोई पार्टी, अगर उनके लिए अगर कोई वादा करती है, तो हो सकता है मैं अदर कास्ट की सीटों के लिए भी मैं जाके 5 को बोलूं, पर मैं अभी जो है मैं उसी व्यक्ति की बात करूंगा जो हमारे समाज की बात करेगा। आनंद मोहन सिंह जी की जो बात करेगा मैं उसकी बात करूंगा। मैं सुशांत सिंह सीबीआई मामले में सुशांत सिंह के हत्यारे को जेल पहुंचाने की बात करेगा मैं उसकी बात करूंगा। मैं बात करूंगा सुशांत सिंह, अंत में ज्यादा नहीं कहूंगा, काफी देर हो गई है, हाथरस मामले में सीबीआई की जांच दे दो मोदी जी, और योगी जी पे जो आक्षेप लग रहा है वो हमारे कारण से नहीं होना चाहिए, क्षत्रिय समाज के कारण से। योगी आदित्यनाथ को अगर आप लोग बदनाम कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अपनी इस जातिवादी, अपनी कोई भी धर्मवादी व्यवस्था से ऊपर उठकर काम कर रहे हैं, हमारे पक्ष में नहीं कर। ये बार बार किसी का फोन आ रहा है इसलिए डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो मैं बोलना चाह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ को लेकर हमें बदनाम करने की साजिश है जो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरा, बिहार में हम लोग कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आने वाले दिनों में दोनों के लिए सीबीआई की जांच हाथरस में हो, जो उस वाल्मीकि परिवार की, उस भारत की बेटी की बेटी को न्याय मिले। दूसरा, आनंद मोहन की जो बात बिहार में करेगा वही बिहार पे राज करेगा, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो और वो कोई भी पॉलिटिकल लोग हो और वो कोई भी पॉलिटिकल एमएलए जो चुनाव लड़ना चाहता है, उसके हर एक एमएलए के एजेंडे में अगर ये नहीं हुआ तो हम लोग उसे एमएलए का भी हम लोग विरोध करेंगे। और सुशांत सिंह मामले में सीबीआई की जांच तो दे दी, पर सुशांत सिंह परिवार को जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग रुकने वाले नहीं है। मैं आ रहा हूं बिहार जल्दी, और पॉलिटिकल तौर पर नहीं, सामाजिक तौर पर अपने समाज को बल देने, ताकत देने, और जो जितने भी चट्टू बट्टू जो भी है ना, भग जाए सब, बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाथरस में जो राजपूतों को बदनाम करने की साजिश चल रही है, बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेटी को न्याय मिलना चाहिए, पर जाति बिरादरी को बदनाम करने के नहीं। यहां कहां आ जाता है कि ये दलित, ये राजपूत, बेटी बेटी सबकी बराबर है, दलित की भी, ठाकर की भी। अब वो कोई वो जमाना थोड़ी है, और कोई सा भी जमाना रहा हो, क्षत्रिय ने अपनी बेटी से बढ़कर दूसरों की बेटी को माना है, तो हम लोग आपके साथ हैं। और जो भी ये जय भीम बे भीम बीच में बोल रहे ना, इनके मारो सोट, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।